अगली खबर आ रही है उज्जैन से, जहां इंगोरिया में बीते दिनों शराब कंपनी के कर्मचारी के साथ लूट की घटना में इंगोरिया पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा है, जिनके पास से 1 पिस्टल, 1 जिंदा कारतूस, 2 मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल फोन सहित आरोपियों से 37,000 रुपए नकद जब्त किए हैं। जिले के बड़नगर तहसील क्षेत्र के इंगोरिया थाने में 15 दिसंबर 2022 को फरियादी देवी सिंह निवासी हामुखेड़ी उज्जैन ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि इंगोरिया स्थित समृद्ध ट्रेडर्स चिकली बलेड़ी एवं इंगोरिया स्थित शराब दुकान का कैश कलेक्शन लेकर अपने ऑफिस पहुंचा तो उसी समय एक मोटरसाइकिल पर 3 अज्ञात बदमाशों ने उसके ड्राइवर सुनील को देसी पिस्टल अड़ाकर लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक उज्जैन के आदेश पर SDOP बड़नगर रवीन बोयट, थाना प्रभारी अमित सोलंकी की टीम ने मुखबिरों को अलर्ट किया। संदिग्धों के संबंध में टीम लगातार जानकारी जुटाती रही और 21 दिसंबर को सूचना मिलने पर संदिग्धों को पकड़कर पूछताछ की गई तो घटना का पर्दाफाश हो गया। थाना प्रभारी अमित सोलंकी ने बताया कि लूट मामले में कुल 6 आरोपियों में से 4 को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 1 पिस्टल, 1 जिंदा कारतूस, 2 मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल फोन सहित आरोपियों से 37,000 की नकदी जब्त की गई। 2 फरार आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस ने बताया कि पूछताछ में घटना के मुख्य आरोपी ने उज्जैन स्थित घर पर बैठकर इंगोरिया शराब दुकान को लूटने का प्लान बनाया था, जिसके लिए आरोपियों द्वारा लगातार 2-3 दिन तक उज्जैन से इंगोरिया तक शराब दुकान की गाड़ी की रेकी की गई। घटना में शामिल 2 अन्य आरोपी वर्तमान में फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए 2 विशेष टीमें रवाना की गई हैं। मामले में महत्वपूर्ण भूमिका थाना प्रभारी अमित सोलंकी, उप निरीक्षक सावन मुवेल, उप निरीक्षक आरती डाबर, सहायक उप निरीक्षक दिनेश निनामा की मुख्य भूमिका रही है। ये दिनांक 15-12 की घटना थी। रात में अपने दुकान का केस लेकर देवी सिंह करके फरियादी वहाँ जा रहा था, तो उसको जैसे ही वो अपने कार्यालय के यहाँ पहुँचा था, वहाँ पे इसके साथ कट्टा अड़ा के लूट की गई थी और लूट की राशि जो लगातार उसके बाद कायमी के बाद से थाना प्रभारी अमित सोलंकी की पूरी टीम लगातार प्रयास करते हुए इसमें भी 4 आरोपी गिरफ्तार किए, 2 आरोपी इसमें गिरफ्तार होना शेष है, 3 मोबाइल जब्त हुए, 2 मोटरसाइकिल जब्त हुई इनसे और 1 देसी कट्टा है, 37,000 रुपये लगभग नगद राशि भी जब्त की, बाकी शेष उन 2 आरोपी से गिरफ्तार करके शेष राशि भी जब्त करेंगे। नहीं, अभी उनका पूरे वो जांच करेंगे, वो भी एक जांच का विषय है, हो सकता है कि किसी कर्मचारी से मिले हों या जानते हों, उस विषय में भी हम करेंगे।